मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने कन्या पूजन के साथ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नई नीति बनाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गरीब हितग्राही को रेत मुफ्त में दी जाएगी ताकि वे आसानी से अपने आवास का निर्माण करा सकें, कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर व्यवस्थाएं बदल गई हैं। शनिवार से प्लेटफार्म नंबर 1 पूरी तरह से बंद रहेगा, जबकि सिर्फ 5 नंबर प्लेटफार्म से ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। हमीदिया कैंपस में आपके बाद अब प्रदेश के सभी अस्पतालों की होगी जांच। 30 नवंबर तक फायर ऑडिट नहीं हुए तो रद्द किए जा सकते हैं लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। 57 इंजीनियर करेंगे वस्तु स्थिति की जांच। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एसपीजी ने संभाली भोपाल की सुरक्षा की कमान। अधिकारियों ने जम्बूरी मैदान, बीयू कैंपस एवं हेलीपैड का किया दौरा। प्रदेश के गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने भी लिया जायजा। जिला युवा कांग्रेस ने फूका मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी का पुतला। मुरलीधर राव का ब्राह्मणों एवं वैश्यों पर असम्मानजनक टिप्पणी के विरोध में हुआ स्थानीय नेहरू स्मारक में यह प्रदर्शन। अंजनिया के अहमदपुर में किया गया कैरियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम आयोजित। अपना कैरियर बनाने के लिए अपना पसंदीदा विषय चुनने की दी गई सलाह। विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया गया। नैनपुर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मिलनसार एवं हसमुख स्वभाव के धनी संतराम राठौर का शुक्रवार को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। जिले के कलेक्टर्स, एसपी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने गौरव जनजाति दिवस के आयोजन के लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया और निर्देश ग्रहण किए। कलेक्टर ने खाद विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि डीएसओ पात्र हितग्राहियों को लाभ देना सुनिश्चित करे, इसी प्रकार अपात्र व्यक्तियों को हटाया जाए तथा पीडीएस वितरण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।